ताकि ये रीत चली लाए गोल्ड मेडल जिस देश के गोद में उसी के देश में रोड पे। ब्रिजभूषण नारी शोषण बस चिंता एमपी के सीट की, बुल्गारिया पिछले साल में बैक मसाज करा रहे थे पीठ की। रेसलर जो गौरव है देश के भूखे हैं, नारी भी लाठियां खा रही हैं। इन पे मर्डर केस से 307, 148, 148 क्राइम के दुनिया से नेता ये बन गए और देश में मचा दी लूटपाट। तन को छुए, स्तन को छुए, छुए ना कलम काले धन को छुए, छीन लेना चाहे सोना अंधा सदी, सम्मान स्वीकार माँ गंगा नदी, माँ गंगा नदी कहीं चीख रही, बेटी बेटो पे क्या बीत रही, तन बदन को ढकना रावण से, दानवता की ये रीत चली, लाए गोल्ड मेडल जिस देश के गोद में उसी के देश में रोड पे। हक का पैसा और स्पॉन्सर खा गए अध्यक्ष महोदय बोर्ड के, एक बेटी को रूम में बुलाओ, हरास कराओ और रुलाओ, फिर टीम एक झूठ की बिठाओ, इंसाफ का दिलासा दिलाओ, और नए साल से प्रोटेस्ट जारी है, गिरफ्तारी नहीं आ रही है। ब्रिजभूषण सिंह का नाम आपने सुना है, बड़ा इल्जाम है उन पर, बेटियों के साथ उनकी इज्जत तार तार करने का इल्जाम झेलने वाले। ब्रिजभूषण की एक शर्त है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा अगर कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बेटियां सड़कों पर है, उठा लिया गया उस दिन जिस दिन नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों सुन नहीं रहे हैं। जो पीएम देश का उन बेटियों के साथ मेडल के लाने के बाद दस्तरखान पे बैठ के चर्चा कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, उन प्रधानमंत्री के कान तक बेटियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि ये जो ब्रिजभूषण है उसने थाई पर हाथ फेरा, सीने पर हाथ फेरा, नाभि पर हाथ फेरा, और जो नहीं करना चाहिए एक शैतानी हरकत जो होती है उससे भी आगे जा करके किया। लोग तरह तरह से उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन पटना का एक युवा है, उम्र तो बहुत कम है लेकिन सोच इतनी ऊंची, इतनी बुलंद है कि इसने रैप बना दिया है उस पर। ब्रिजभूषण को जानते हैं, बेटियों से हमदर्दी है आपकी, क्या नाम है पहले ये बताइए। मेरा नाम रॉवेल है, ये देखिए, और बहुत हमदर्दी है क्योंकि ये बहुत ही ख़राब बात है कि हमारे देश में वो भी आज के ज़माने में आज तक ये रीति चली आ रही है कि कोई बड़े आदमी आके छोटे लोगों को या कोई मेडलिस्ट जो अभी हाल फिलहाल में मेडल जीत के आए उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो हम नॉर्मल पीपल के साथ क्या होगा, हम आम लोगों के साथ क्या होगा, कौन इंसाफ दिलाएगा। आपने वो सारी चीज़ें देखी जो विरोध हो रहा है, बेटियां मेडल लेकर के बैठी हुई है, रो रही है, बहुत सारी कहानियां हैं जो बयान करने की ज़रूरत नहीं, लोग आम लोग भी समझने लगे हैं कि ये बच्चियाँ जो तिरंगा फहराती थी ज़मीन पर लेटी हुई है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी का जिसके पास इतनी शक्ति है, बोर्ड का अध्यक्ष है, सारी चीज़ें हैं, और वो अपनी शर्त पर मजाक उड़ाता है कि ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें समाज में भी है, आप पर भी प्रभाव पड़ा इसका? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ा। देखे तो फिर पहले लगा कि ज़्यादा लोग भी ट्वीट नहीं कर रहे थे, ज़्यादा लोग सपोर्ट में भी नहीं आए, तो देखा तो सोचा ये हो क्या रहा है, मतलब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा लोग उठ के नहीं आ रहे हैं, तो सोचे कि अगर हम गाना लिखते हैं और ऐसे मुद्दे पर गाना अगर नहीं लाते हैं और उनका हेल्प नहीं कर सकते हैं तो फिर। अच्छा रॉवेल जी, रॉवेल जी कहा जाता है कि बिहार के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर मुद्दे पर अपना विरोध दर्शाते हैं, जताते हैं, तो ये सब चीज़ें आई तो आप तो हर मुद्दे पर गाना गाते, समाज का जो भी मामला उस पर गाना गाते हैं, ये गाना आपके जहन में वही आया कि चलो बेटियों को इंसाफ दिलाना है, वो पहले गाना आप हमको सुनाइए। जी बिल्कुल, तो ऐसे लिखे थे मैंने गाना कि जैसे आप बताए थे छूना, तो वहाँ से गाना स्टार्ट होता है, तन को छुए, स्तन को छुए, छुए ना कलम काले धन को छुए, छीन लेना चाहे सोना अंधा सदी, सम्मान स्वीकार माँ गंगा नदी, माँ गंगा नदी कहीं चीख रही, बेटी बेटो पे क्या बीत रही, तन बदन को ढकना रावण से, दानवता की ये रीत चली, लाए गोल्ड मेडल जिस देश के गोद में उसी के देश में रोड पे। हक का पैसा और स्पॉन्सर खा गए अध्यक्ष महोदय बोर्ड के, एक बेटी को रूम में बुलाओ, हरास कराओ और रुलाओ, फिर टीम एक झूठ की बिठाओ, इंसाफ का दिलासा दिलाओ, और नए साल से प्रोटेस्ट जारी है, गिरफ्तारी नहीं आ रही है। रेसलर जो गौरव है देश के भूखे हैं, नारी भी लाठियां खा रही हैं। इन पे मर्डर केस से 307, 148, 148 क्राइम के दुनिया से नेता ये बन गए और देश में मचा दी लूटपाट। ब्रिजभूषण नारी शोषण बस चिंता एमपी के सीट की, बुल्गारिया पिछले साल में बैक मसाज करा रहे थे पीठ की। बेटी डरेगी, बेटी मरेगी, क्या ही पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, देश का बेटा है जीत के हारा है, जीत के गोल्ड की सोना निचारा। बेटी डरेगी, बेटी मरेगी, क्या ही पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, देश का बेटा है जीत के हारा है, जीत के गोल्ड की सोना निचारा। जीते जब स्टेट तो प्राइज दे, नेशनल जब जीते बधाई दे, पर मुश्किल में परे जब हम, मुसीबत में कोई ना हमें दिखाई दे, ये फांसी पे चढ़ जाए झूठ है, झूठ को साबित ये करेंगे सच में, और सच जो होता ये झूठ तो रोड पे रोते बिलखते ना बच्चे। हर स्पोर्ट्स का लीडर कोई स्पोर्ट्समैन हो, हर कला का लीडर कोई कलाकार, हर खेल को देना महत्व, हर खेल समिति तुम बन जाओ परिवार, हर कला को देना सम्मान, सम्मान में कला का करना ना बहिष्कार, करप्ट ये सिस्टम को मिलकर खत्म करे किसी पे होना ये अत्याचार। बेटी डरेगी, बेटी मरेगी, क्या ही पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, देश का बेटा है जीत के हारा है, जीत के गोल्ड की सोना नहीं चाह रहा है। ये पूरा गाना आपने रैप के अंदाज में गाया है,
को, ये कहाँ सुनेंगे लोग अगर इस गाने को सुनना चाहे तो? इसको सुनने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, जिसका नाम रॉवेल म्यूजिक है, ROVEL म्यूजिक, रॉवेल म्यूजिक करके यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर ये पूरा सॉन्ग अपलोडेड है, आप उस पर सुन सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हर वीक मैं एक सोशल मुद्दे पर गाना लाते रहता हूँ, हर वीक एक गाना अपलोड करते रहता हूँ। ये रॉवेल है पटना के, पटना से भी आवाज़ें उठी थी सत्ता में जो बैठी हुई पार्टी है उनके खिलाफ, और जो सत्ता में यहाँ है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई कि बेटियों के साथ ज्यादती हुई है। इस छोटे से मासूम बच्चे को जिनको अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, देश की उन बेटियों की चिंता है कि जिनकी इज्जत आबरू और इस्मत लूटी गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जो उनके मालिक थे, जो बाप की हैसियत रखते थे, उन पर यौन शोषण और यौन हिंसा का इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि शायद भारत की तरफ कोई देखे और मेडल के बारे में सोचे, बेटियों के बारे में कोई चिंता करे तो उनका सर शर्म से झुक जाए। इसी विरोध में इन्होंने उन बच्चियों को सपोर्ट के लिए गाना गाया है और उस गाने के माध्यम से बताया है कि जो हिंसा है, जो शोषण है, वो किस तरह से आदमी अपने ओहदे पर बैठ करके करता है। सारा का सारा मामला ब्रिजभूषण के इर्द-गिर्द घूम रहा है। आप भी अगर विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, इनका गाना सुनिए और उन बेटियों के लिए आवाज़ उठाइए।